अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको जिन जॉब्स के बारे में बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छे जॉब्स हैं। कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए इसके लिए, कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसके। और सबसे ख़ास बात यह है कि दुबई की एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी में, एक बहुत ही बड़ी कंपनी के जॉब्स हैं। जो जॉब्स हैं वो हैं सेल्स रिलेटेड, और सेल्स रिलेटेड भी इंडोर सेल्स रिलेटेड हैं। मतलब इंडोर आपका काम होगा, आपने इंडोर काम करना है। बहुत ही अच्छी सैलरीज ये वो कर रहे हैं, और उसके बाद फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे दे रहे हैं, अच्छी सैलरीज दे रहे हैं, अकोमोडेशंस भी इनके अच्छे होते हैं। और एक बहुत ही बड़ा नाम है इनका ऑटोमोबाइल्स की लाइन में, मतलब गाड़ियों के सर्विसेज के लाइन में। गाड़ियां बेचना ख़रीदना, उनके स्पेयर पार्ट्स बेचना ख़रीदना, गाड़ियों के मेंटेनेंस करना, वर्कशॉप्स हैं इनके, शोरूम्स हैं इनके गाड़ियों के, और स्पेयर पार्ट्स के शोरूम्स हैं इनके। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। काइंडली वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अप्लाई करने का तरीका जानिए। जो जॉब्स हैं वो है काउंटर सेल्स रिलेटेड। काउंटर सेल्स रिलेटेड मतलब जैसे नाम से ही जाहिर है कि काउंटर पे आपने काम करना है, इनके काउंटर्स पे आपने काम करना है, डिफरेंट शोरूम्स में और स्पेयर पार्ट्स के शोरूम्स में आपने इनके काम करना है। और इसके लिए जो इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपको जस्ट इंग्लिश लिखना बोलना पढ़ना आना चाहिए, मतलब आप 10वीं 12वीं तक आपकी तालीम होनी चाहिए, और आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके डब्बों पे नाम इंग्लिश में लिखे होते हैं, उनके सीरियल नंबर्स होते हैं। कोई बंदा आता है आपके पास तो आपको बोलेगा कि इस सीरियल नंबर का मेरे को मतलब ये वाला पार्ट चाहिए, गाड़ी का ये पार्ट चाहिए, लाइट चाहिए, टेल लाइट चाहिए, बम्पर चाहिए, कुछ भी हो ऐसा करके। तो उसके अपने सीरियल नंबर्स होते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिस तरह मर्सिडीज़ बेंज, बेंटले, फेरारी या कुछ भी इस तरह किसी टाइप की भी गाड़ी होगी, तो उनके अपने ख़ास स्पेशल सीरियल नंबर्स होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई आपको आनी चाहिए, बाकी आप वेल ग्रूम्ड हों, गुड लुकिंग हों, और मतलब होनेस्ट हो, लॉयल हों और वेल ग्रूम्ड हों, तो आपको ये जॉब इजीली मिल सकती है। इनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं। बाकी इसके अलावा इन्होंने कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है बिल्कुल भी, कि आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो इस तरह करके, इसे कोई भी वो इन्होंने नहीं मांगा है। लेकिन इंग्लिश आपको मस्ट आनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी ज़ुबान आती है, जैसे यहाँ पर उर्दू या हिंदी, मतलब जिसे हिंदी बोलते हैं, इंडिया में हम उर्दू बोलते हैं, तो ये दोनों सेम ही हैं बोलने में, तो अगर आपको वो आती है या अरेबिक आती है आपको, तो एक और प्लस पॉइंट है आपके पास। तो इसके कोई ज़्यादा ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं बिल्कुल भी। बहुत ही इजी जॉब है, बहुत ही इजी, और इनके जो सैलरीज हैं वो बहुत अच्छे सैलरीज ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप काइंडली अप्लाई कीजिए, अपनी एक प्यारी सी सीवी बनाइएगा, अपडेटेड अपनी उस पर तस्वीर लगाइए, अपडेटेड नंबर लगाइए, अपडेटेड ईमेल एड्रेस उस पर लगाइए, और मतलब सेल जो आपकी सीवी है वो अपडेटेड होनी चाहिए, ऑन द डेट अपडेटेड होनी चाहिए। ये ना हो कि नंबर पुराना हो, ये ना हो कि जिस नंबर पे, जिस नंबर जो नंबर आपने लिखा है वो बंद हो, या व्हाट्सअप किसी और नंबर पे हो चला, आप कोई और नंबर रहे हो। कोशिश करें आप जो नंबर चला रहे हैं उसी पे व्हाट्सअप बनाएं। आजकल फ़ोन्स में दो दो व्हाट्सअप बन जाते हैं, तीन तीन चार चार व्हाट्सअप भी लोग चलाते हैं, लेकिन नॉर्मली दो व्हाट्सअप चलाते हैं। एक नॉर्मल व्हाट्सअप होता है, एक बिज़नेस व्हाट्सअप होता है। तो जो नंबर आपने सीवी में लगा रखा है, कोशिश करें कि उसी पे व्हाट्सअप नंबर भी हो आपका। दूसरी बात कि जो ईमेल एड्रेस आप मस्ट लिखा करें अपनी सीवी में, कॉन्टैक्ट्स के जो खाना होता है, जो कॉन्टैक्ट्स का पार्ट होता है, उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस मस्ट लिखा करें, और फिर वो आप अपना ईमेल हर रोज़ चेक किया करें। ये कंपनीज जो होती हैं ज़्यादातर मेल्स के थ्रू आप कुछ के साथ कांटेक्ट करती हैं, या कॉल्स के थ्रू कांटेक्ट करती हैं। तो ये दो चीज़ें, मेल और आपका नंबर, ये दोनों आपके ओपन होने चाहिए, मतलब जिसे आप हर रोज़ चेक कर सकते हैं। ऐसा ईमेल एड्रेस और ऐसा फ़ोन नंबर आप डालिए इसमें। जो अप्लाई करने का तरीका है वो भी आपको बता देते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने जाना है उस लिंक पे। उस लिंक में वो जिस तरीके से भी जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, या फिर आपको बोल रहे हैं कि सीवी अपलोड करो या अपना पिक्चर अपलोड करो, कुछ भी मांग रहे हैं वो, तो आपने वो सब कुछ अपलोड कर देना है, फिर अप्लाई कर देना है और वेट करना है इनकी रिप्लाई का। फिर वो चाहे आपको कॉल करें या ईमेल के थ्रू आपके साथ कॉन्टेक्ट करें, तो इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में ये जॉब हुआ तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपके काम की ना हो तो किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो ऑलरेडी जॉब ढूंढ रहा हो और इस लाइन में, इस फील्ड में जॉब ढूंढ रहा हो। क्या पता वीडियो उसके काम आ जाए और उसको जॉब मिल जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।